अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। कल मेविस हयात ने ईरानी जनरल कासिम सलमानी की हलाकत पर ऐसा क्या ट्वीट किया कि आमिर लियाकत हुसैन को इतना बुरा लगा कि उन्होंने मेविस हयात को आइटम गर्ल जैसे अल्फाज बोले। मेविस हयात ने भी आमिर लियाकत को गुस्से से रिप्लाई करते हुए ये कहा कि मर्द बने, और इसके बारे में आगे चल के मैं आपको तफसीलात बताता हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस सारे मामले के पीछे एक हिस्ट्री है। आमिर लियाकत हुसैन और मेविस हयात वक्तन फवक्तन आपस में क्यों लड़ते और झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर क्यों टॉन्ट करते हैं, इस बारे में आज मैं आपको ए टू जी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। मेविस हयात वो सेलिब्रिटी हैं जो तनकीद का अक्सर निशाना बनी रहती हैं, लेकिन वो खुद में यही सोचती होंगी कि मैं तो इतनी मासूम हूं, पता नहीं लोग मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं। तो चलिए उनकी मासूमियत की थोड़ी बहुत झलकियां देखते हैं, तो फिर आगे चलकर बात करते हैं। खास तौर पर जब से इनको तमगा इम्तियाज मिला है, तब से तो जो इनकी चित्रोल हुई है वो इससे पहले कभी भी किसी को अवार्ड मिलने के बाद नहीं हुई होगी। वैसे मैं आपको बताता चलूं कि दोनों ही माशाल्लाह से कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटीज हैं। छिछोरपन तो डॉक्टर साहब में भी कूट कूट के भरा हुआ है। सरदारी साहब के घुटनों में तकलीफ है और वो जिन हरकतों की वजह से घुटने में तकलीफ हुई होगी वो मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन वो उठ नहीं सकते थे तो उनसे उठा नहीं जा रहा था, इसलिए वो उनसे बात करने के लिए मैं जरा थोड़ा नीचे होकर बैठ रहा हूँ, तो कदमों में नहीं बैठा था मैं। अब हो सकता है आप इनको क्या पता मैं क्या बात कर रहा हूँ, हो सकता है मैं शायद तरीका उनको सिखा रहा हूँ कि नीचे कैसे बैठ। जब डॉक्टर साहब से पूछा गया कि आपको इस पर इतना एतराज क्यों है कि मेविस हयात को तमगा इम्तियाज दिया गया, तो उन्होंने कहा कि जब एक इस्लामी स्कॉलर का मजाक मूवीज में उड़ाया जाएगा तो तनकीद तो बनती है। उन्होंने उस तनकीद का बहुत बुरा माना, तो मुझे उस पर बड़ी तकलीफ हुई कि इनको क्यों बुरा लग रहा है, क्योंकि इन्होंने जब लोड वेडिंग में काम किया था, एक फिल्म है लोड वेडिंग, उसमें इन्होंने जो मेरे मनफी किरदार को फिल्म में जाने दिया और उस किरदार में दिखाया गया कि आमिर लियाकत जो है वो लोगों को जहेज दिलवाने के लिए या उनकी मसाइल हल करवाने के लिए, उनकी तकलीफ से बचाने के लिए लोगों को ड्रामा करने पर उकसाता है। ना मुझसे उस बारे में पूछा गया, ना मुझसे कोई कॉन्सेंट लिया गया, मेरा उसमें किरदार उसमें उसकी भद उड़ाया गया, उसको उसका मजाक बनाया गया, तो मैंने तो कोई इस पर बात नहीं की। हालांकि मैं सू कर सकता था, मैं जा सकता था अदालत में और मैं जाऊंगा। आपको याद ही होगा कि जब हम अवार्ड की डांस की प्रैक्टिस की वीडियो वायरल हुई थी मेविस हयात की, तो उस पर भी डॉक्टर साहब ने कड़ी तनकीद की थी। इस पर डॉक्टर साहब ने यह ट्वीट की थी कि इनसे तमगा इम्तियाज वापस लेना चाहिए या नहीं, ये तो देने वालों की ही मर्जी है। और जहां तक एहसन खान की बात है, वो तो बहुत ही मासूम इंसान है, मासूम है होंगे। कल मेविस हयात ने कासिम सलमानी की हलाकत के बाद जो वर्ल्ड वॉर 3 की तलवार पूरी दुनिया पर लटक रही है, उसके बारे में जो अपनी राय का इजहार किया, उन्होंने लिखा है कि 2020 में अभी हम दाखिल ही हुए हैं और दुनिया जो है जंग के किनारे पर जाकर खड़ी हो गई है। उन्होंने लिखा है कि ऐसा ही होता है जब एक ताकतवर हुक्मरान बिना सोचे समझे गलत फैसला करता है। ये अमेरिका और ईरान की बात नहीं है। उन्होंने लिखा है कि अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए। अगर यहां मैं अपनी राय देना चाहूं तो मैं आपको बताता चलूं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं लिखा। अगर आप उनकी गंदी ड्रेसिंग, डांस और उनके जो जाती उनकी किरदार के बारे में बातें उनको एक तरफ रखकर सोचें, तो ये उन्होंने कुछ भी इसमें कोई ऐसी बात नहीं लिखी कि जिस पर डॉक्टर साहब को बुरा लगना चाहिए। इस पर फौरन ही डॉक्टर साहब ने रिप्लाई करते हुए कहा कि तमगा इम्तियाज मिलने का मतलब ये नहीं है कि एक आइटम गर्ल जो है इम्तियाजी बयान देती रहे। और डॉक्टर साहब ने यह भी लिखा कि अगर कासिम सलमानी जिंदा होते तो क्या मेविस हयात को परफॉर्म करने के लिए बुलाते। वैसे यहां अगर मैं ईमानदारी से बात करूं तो डॉक्टर साहब ने पंगा खुद ही लिया है, जिस पर मेविस हयात का तपना भी जो है ना बनता था। मेविस हयात ने गुस्से से रिप्लाई करते हुए कहा कि ये आइटम गर्ल अपना जमहूरी हक इख्तियार करते हुए अपनी राय का इजहार कर रही है और आप दूसरों पर तनकीद करने के अलावा और अपना मजाक उड़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते।
और उन्होंने ये भी कहा कि लॉर्ड वेडिंग के हवाले से आपने जो मुझ पर केस करना था, मैं तो उसका बेसब्री से इंतजार कर रही हूं। वैसे मैं इनको अभी से ये राय देता हूं कि इस तरह से सोशल मीडिया पर इतनी लड़ाई मत करें, क्योंकि एक ना एक दिन आपने डेट पर, सॉरी मेरा मतलब है तारीख पर जाकर इकट्ठे बैठ जाना, टेबल, वो वाली डेट मैं नहीं कह रहा, टेबल पर इकट्ठे बैठ के खाना खाना और लड़ाई खत्म, और उसकी उसी एक हफ्ते के बाद जो है ना एक दूसरों की सोशल मीडिया पर तस्वीरें आ रही होंगी ऐसे सेल्फियां बनाते हुए टिक टिक करके। कॉमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताइएगा कि आखिर गलती किसकी है शुरू से लेकर एंड तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।